नमस्कार, मैं लतिका भुट्टर आज फिर से स्वर संगीत चैनल से आपके बीच में उपस्थित हुई हूँ। आज मैं आपको संगीत और काव्य के बारे में बताऊंगी। साधना के लिए जिस प्रकार ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार संगीत के लिए काव्य आवश्यक है। संगीत एवं काव्य में घनिष्ठ संबंध है। प्रत्येक कला का कुछ आधार अवश्य होता है। गायक के सप्त स्वर उसके आधार हैं। जब चित्रकार अपनी सौंदर्यमयी कल्पना को कागज व मिट्टी पर विविध रंगों एवं तुलका से मूर्त रूप देता है, तभी हम उसके कला सौंदर्य का अनुभव कर पाते हैं। अतः कला की श्रेष्ठता उसके मूर्त आधार पर निर्भर है। जिसका आधार जितना सूक्ष्म होगा, उतनी ही वह कला श्रेष्ठ होगी। काव्य ने इसलिए श्रेष्ठता प्राप्त की क्योंकि उसका आधार रसात्मक है। हमारे पूर्वजों ने गद्य व पद्य दोनों को काव्य माना है। पद्य और गद्य तो कविता के बाह्य अंग हैं। इसी प्रकार गायक का गीत, वादक का वाद्य, नृत्यकार का नृत्य उसकी भावनात्मक मधुर कविता के बाह्य अंग मात्र है। उनका अंतस्थल कविता ही है, जो कि आकुलता के साथ व्यक्त होती रहती है। इस कविता के आधार से गीत, वाद्य और नृत्य अपनी असली रूप प्रदर्शित करते हैं। कल्पना और भावना इसी काव्य संगीत में सर्वदा व्याप्त हैं। कविता को जब हम संगीत का रूप देते हैं तो उसका आनंद कितना मधुर होता है। कविता को लय में बांध लेने के पश्चात श्रोताओं को अपनी इच्छा अनुसार रस से प्रभावित किया जा सकता है। अर्थात हम यदि लय में करुण रस की उत्पत्ति करते हैं और कविता भी किसी वियोगी भाव में है, तब श्रोता अवश्य रोने लगेंगे। यदि कविता श्रृंगार रस में है और लय का रूप रसिकता में दिया गया है, तो श्रोतागण आनंद विभोर हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार वादन और नृत्य है। अर्थात कविता भीमत्स रस की हो और वादन में भयानक रस उत्पन्न किया गया हो, साथ ही नृत्यकार रौद्र रस में भाव दिखाता और अंग संचालन करता हुआ जनता के समक्ष मंच पर आए, तो क्या होगा? जनता के सम्मुख चार बातें होंगी। एक और कविता के शब्द, दूसरी और वादन की भयानक झंकार, तीसरी और नृत्य का भयानक रूप में प्रदर्शन, और चौथी महत्वपूर्ण बात एक अनोखी लय। जब ये चार बातें मिल जाएंगी तो प्रत्येक कला का असली रूप आपके समक्ष होगा। परंतु यह अवश्य नहीं कि कवि को गायक होना ही चाहिए या जो गायक हो वह कवि अवश्य हो। काव्य कला अलग है और संगीत को उसमें गौण स्थान दिया गया है और अर्थ व्यंजना को प्रमुख, परंतु संगीत में लय और ताल का मुख्य स्थान है। हाँ, काव्य और संगीत आपस में अधिक मात्रा में घनिष्ठता रखते हैं। हमारे पूर्वज कवि सूर, तुलसी, मीरा, कबीर इत्यादि कितने ही महापुरुष हो गए हैं, जो कवि और गायक दोनों थे। मीरा और सूर ने तो संगीत से ही भगवान को प्राप्त किया और उनकी संगीत रूपी तेर एवं कविता में कृष्ण साक्षात विराजमान रहते थे। सूर और तुलसी ने गीति काव्य की आदित्य रचना की है। गीति काव्य वह काव्य रचना है जो गाई जा सके। इस काव्य में सभी गुण यानी माधुर्य, औज,
ध्वनि, अलंकार इत्यादि वर्तमान है। सूर, तुलसी और मीरा की ख्याति का कारण है उनका सुंदर गीति काव्य और उत्कृष्ट संगीत। हमारे संगीत साहित्य की अतुल निधि गीति काव्य ही समझनी चाहिए। पौराणिक युग में आदि कवि ने वीर काव्य में श्री राम का वर्णन किया। इस काल के उपरांत कालिदास, भवभूति, भृतहरि, जयदेव आदि ने गीति काव्य रचकर संगीत साहित्य को जीवन प्रदान किया। प्राचीन साहित्य में भक्ति गीत और अरवचीन युग में अटूट गीति काव्य हम देख रहे हैं। सूर, तुलसी आदि ने तो अनेक पुस्तकें गीति काव्य की रची, परंतु आधुनिक काल में भी हमारे कवियों ने यानी कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर, प्रसाद पंत, निराला इत्यादि ने गीति काव्य रचकर संगीत को अमूल्य संपत्ति प्रदान की है। मीरा का यह भजन मोर मुकुट पिंताम्बर सोहे गल बेजंती माला, वृंदावन में धैनु चरावे मोहन मुरली वाला, किसी सुगायक के मधुर कंठ से सुने जाने पर शब्दानुशब्द आपको कृष्ण का रूप दिखेगा, जबकि वह अपनी उच्च गति से जनता को अपने संगीत से मुग्ध करेगा, क्योंकि कविता तो स्वयं भावना रूपी है। कहने का प्रयोजन यही है कि काव्य और संगीत का घनिष्ठ संबंध है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह चैनल अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।